हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अमेज़ॉन पे कुछ अगर प्रोडक्ट देख रहे हैं, स्पेशली वॉल क्लॉक देख रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ख़रीदना चाहते हैं, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो मैंने ऑलरेडी परचेज़ करा हुआ है। सो मुझे किस तरीके का आया हुआ है और कौन सा वॉल क्लॉक अच्छा होगा, सो यहाँ पे मैं बेसिकली तीन वॉल क्लॉक आपको दिखाऊंगी कि कौन से आपको नहीं लेने हैं, सीरियसली नहीं लेने हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और कुछ तो टूटा हुआ भी आया है। तो ये एक फर्स्ट जो मेरे पास है जो कि रिटर्न होने वाला है, उसको दिखा देती हूँ। ये है नेशनल का वुड क्राफ्ट है और इसकी प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ मैंने ख़रीदी ही नहीं थी ज़्यादा। मैं मुझे पता है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिक तो पाती नहीं है, फिर पैकेजिंग जैसी आती है वैसी ही आई है। और मैं दिखा देती हूँ कैसा प्रोडक्ट आया है। प्रोडक्ट है कुछ ऐसा, ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे टूटा हुआ प्रोडक्ट मुझे पहले तो रिसीव हुआ है। और ये है कुबेर इंडस्ट्रीज़ का सिंपल राउंड शेप्ड वुडन, और 199 का है। और साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ बहुत अच्छा साइज़ है, लेकिन काइंड ऑफ टूटा हुआ मुझे आया है, तो मुझे इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिकॉज़ अगर इसे वुड वुड मतलब वॉल पर भी लगाएंगे ना, तो कुछ खास नंबर्स मुझे नहीं लगता कि दिखेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर अगर ऐसा लगाया अच्छा दिखेगा, लेकिन आपको समझ सकते हैं ना, ये टूटा हुआ ऑलरेडी आया हुआ है तो हम इसे रख तो सकते नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट परचेज। अगर ये अच्छा आता तो मैं डेफिनेटली रखती। मैंने इसका रिटर्न भी प्लेस करा था, लेकिन वो बहुत डिले कर रहे थे, तो मैंने उसे फिर से कैंसिल कर दिया। तो मे बी मैं फिर से ऑर्डर प्लेस करूँगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन, और सेकेंड देखते हैं कैसा आया है। और जो सेकेंड वॉल क्लॉक आया वो है अजंता का वॉल क्लॉक, और इसका प्राइजिंग भी 165 है या 175 है, ज़्यादा नहीं है। बिकॉज मुझे पता था कि एज यू नो कि मैं स्पेशली वॉल क्लॉक पर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। तो पैकेजिंग वैसे नॉर्मल सी आई है, और इसको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। और ये साइज़ अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही बहुत छोटा साइज़ है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ के बराबर का साइज़ है, देख सकते हैं ये इतना सा। और मेरा हाथ लिटरली बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल छोटा सा हाथ है मेरा, तो मेरे हाथ के बराबर का साइज़ है। तो अगर आप स्पेशली रूम में लगाना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा सा लगेगा, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज मत करिए, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको छोटा सा चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बड़ा सा खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको मत लीजिए, बहुत छोटा है लिटरली। सो थर्ड वन है जो मैं आपको वॉल पे ही दिखाऊंगी, वो भी बहुत छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो अगर मेरा हाथ इतना है तो वो थोड़ा सा इतना होगा। तो पहले मैंने सोचा था इसको रख लूँ और उसको रिटर्न करूँ, फिर एक्चुअली मैंने सोचा कि उसका ना कलर डार्क कलर है, तो मे बी दूर से अच्छे से दिखेगा। वैसे दिख तो ये भी अच्छे से रहा है, लेकिन साइज़ की वजह से मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। तो देखते हैं थर्ड वाला कैसा है। जो लास्ट वन है आप देख सकते हैं, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन जस्ट बिकॉज इसका कलर थोड़ा सा डार्क कलर था, इस वजह से मैंने इसको रख लिया है। अदरवाइज पैकेजिंग बिल्कुल सेम आई थी जैसे वो, उसको रिटर्न कर रही हूँ उन दोनों को, और इसको रख रही हूँ अपने पास। तो साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है इसका भी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक क्योंकि रूम में है तो इस वजह से मैंने रख लिया। सो आई रियली होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो। सो अगर आपका लेने का मन है तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा है ये साइज़ में, बस ले लिया मैंने। सो थैंक यू सो मच। और मैं अगर नेक्स्ट अगर कुछ भी वॉल क्लॉक लेने वाली हूँ नेक्स्ट, जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। तो थैंक यू सो मच।